हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं ए लेवल फिज़िक्स का पेपर वन वेरिएंट टू जो कि पेपर है अक्टूबर नवंबर 2020 का इस पेपर का जो ग्रेड थ्रेश होल्ड रहा है वो है ए पे 24 मार्क्स ऑन एवरेज ग्रेड थ्रेश होल्ड पेपर का 26 या 27 होता है इस पेपर का ट्वेंटी है इट मीन्स रिलेटिवली हो सकता है कि थोड़ा सा पेपर ये टफ लगेगा स्टूडेंट्स को इसके अंदर एक अकॉर्डिंग टू एग्ज़ामिनर रिपोर्ट जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स को मुश्किल लगे हैं थोड़ा सॉल्व करने में डिफ़िकल्ट थे उन क्वेश्चन पर स्टार से मार्क किया है मैंने ताकि आप लोग आइडिया लगा दें तो पेपर की तरफ चलते हैं सो क्वेश्चन वन है अ स्टूडेंट यूजेज़ द वॉल्यूम ऑफ अ मेटल कॉइन इन ऑर्डर टू डिटर्मिन द डेंसिटी डेंसिटी ऑफ द मेटल वॉट इज नॉट नीडिड इन ऑर्डर टू डिटर्मिन द एस्टिमेट ऑफ द वॉल्यूम अब एस फाइंड आउट करना है स्टूडेंट ने वॉल्यूम तो हम एक्चुअली ये फाइंड करेंगे कि वॉल्यूम फाइंड करने में कौन सी वैल्यू यूज नहीं होती एज वी नो दैट क्वन इज़ अ सिलेंड्रिकल शेप और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाए आर स्क्वाच मीन्स इसके लिए हमें रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए जो कि मेन चीज़ें हैं ट ऑफ आउट नहीं कर सकते Then estimate of the mass, हाँ, estimate of mass की जरूरत नहीं है क्योंकि volume का formula में कहीं भी मैथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा फाइन तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द स्पीड वी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर इज गिवन इक्वेशन दिस मीन्स एक वेव है जो किसी स्ट्रेच्ड वायर के अलोंग प्रोड्यूस होती है उस वेव की स्पीड इस एक्सप्रेशन से दी गई है सो हियर टी इज द टेंशन एंड म्यू इज द मैस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर वट आर द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू अब हमने फाइंड करना है पी और क्यू की क्या वैल्यूज हो सकती हैं तो ये क्वेश्चन एक्चुअली हम ऐसा बेस यूनिट्स का कॉन्सेप्ट माइंड में रखते हुए सॉल्व करेंगे अब देखें ये है वी इज इक्वल टू टी पावर पी एंड म्यू पावर क्यू अब हमें वी स्पीड है और स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है टी यहां पे कही गई है टेंशन एंड टेंशन इज अ फोर्स और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन राइट फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और न्यूटन को अगर एसआई बेस यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये होता है के मीटर पर सेकंड स्क्वायर

तो ये म्यू जो है एक्चुअली दिस मस्ट बी इक्वल टू के जी पर मीटर एंड इट्स पावर इज़ क्यू तो अब हमारे पास आया के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पावर पी एंड के जी यहाँ हम लिख सकते हैं पावर माइनस वन पावर क्यू अब हमने पी और क्यू की वो पुट करनी है जिनको सॉल्व करने से मीटर पर सेकेंड हमारे पास रिज़ल्ट आ जाए मीन्स वो पावर्स ऐसी होनी चाहिए कि के जी हमें देखें रिक्वायर्ड नहीं है तो के जी कैंसिल हो जाएगा और बाकी वैल्यूज़ जो हैं उनसे उनको सॉल्व करने से मीटर पर सेकेंड रिजल्ट आएगा सो लेट्स ट्राई कि अगर अगर हम माइनस वन बाई टू और माइनस वन बाई टू पुट करें इधर भी माइनस वन बाई टू आएगा इधर भी माइनस वन बाई टू आएगा तो के जी के जी से कैंसिल नहीं होगा के जी और के जी तभी कैंसिल हो सकते हैं जब पी और क्यू की वैल्यूज़ अपोजिट साइंस के साथ हों दिस इज द फर्स्ट कंडीशन तो इसलिए बी या सी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा अब अगर हम ऑप्शन बी को ट्राई करें तो यह बनेगा के जी एम एस पावर माइनस टू होल पावर माइनस टू के जी एम पावर माइनस वन होल पावर वन बाई टू मीन्स वैल्यू ऑफ पी इज टेकन एज माइनस वन बाई टू एंड वैल्यू ऑफ क्यू इज वन बाई टू ओके फाइन तो अगर इसको सॉल्व करें हम सो के जी पावर माइनस वन बाई टू एम पावर माइनस वन बाई टू एस पावर वन आएगी हमारे पास यहाँ से आ जाएगा के जी पावर वन बाई टू एम पावर माइनस वन बाई टू ओके बेटा अब यहाँ देखें तो के जी और के जी यस कैंसिल हो रहे हैं बट एस की पावर जो है एम पावर भी नेगेटिव हो रही है एस पावर पॉजिटिव हो रही है हमें एम पॉजिटिव पावर में चाहिए और एस नेगेटिव पावर में चाहिए तो ऑप्शन सी सीम्स मोर लाइकली तो अगर ऑप्शन सी को ट्राई करें एम एस माइनस वन और यहाँ पे पी और क्यू की ये वैल्यूज पुट करें मीन्स पी इज़ वन बाई टू एंड क्यू इज़ माइनस वन बाई टू तो क्या होता है माइनस वन बाई टू अब बेटा इसको अगर हम एक्सपेंड करें ये बन गया के जी वन बाई टू एम पावर वन बाई टू एस पावर माइनस वन टू और टू कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे के जी माइनस वन बाई टू एम पावर विल बी वन बाई टू हेयर ओके अब इसको सिंप्लीफाई करें ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गई एम पावर वन बाई टू एम पावर वन बाई टू मीन्स मेक्स एम पावर वन बिकॉज वन बाई टू वन बाई टू एड करें वन आता है एस पावर माइनस वन सो दिस इज कंसिस्टेंट विद द लेफ्ट हैंड साइड तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा नाउ इफ़ मूव क्वेश्चन नंबर थ्री में उन्होंने कहा द डायग्राम शोज फोर्स एफ एक फोर्स एफ है पी इज दॉरिजोंटल कंपोनेंट ऑफ एफ एट एन एंगल थीटा अब ये P जो है F का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है क्वेश्चन इज विच ग्राफ बेस्ट शोज द वेरिएशन विथ थीटा ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ P। यानी कि इस थीटा को कम या ज़्यादा करने से इस P का क्या इम्पैक्ट होगा तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर वेक्टर का X कंपोनेंट गिवन है और वेक्टर का जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है अलोंग x डायरेक्शन उसका कंपोनेंट डिक्रीज होता है यानी कि आप यूं समझ लें कि एक ये फोर्स है यहां पे इसका x कंपोनेंट है ये y कंपोनेंट है जैसे जैसे इसका एंगल इंक्रीज होगा मीन्स ये फोर्स यू अपवर्ड राइज होगी तो हम परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करेंगे तो ये बेस की लेंथ कम होती जाएगी इट मीन्स x कंपोनेंट डिक्रीज होगा P विल डिक्रीज एज थीटा विल इंक्रीज फाइन तो ऑप्शन ए और डी इन दोनों में ये बात डिस्क्राइब की गई है कि पी पी जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है थीटा इंक्रीज हो रहा है बी और सी तो करेक्ट हो नहीं सकती वी हैव टू नाउ लुक एट ऑप्शन ए एंड डी अब ऑप्शन डी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ से इसको स्ट्रेट लाइन बनाया गया है जबकि स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती मीन्स पी जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली exactly थीटा के साथ कंसिस्टेंटली डिक्रीज़ नहीं होता तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ठीक है ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन अब क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं अ स्टूडेंट विच टू मेजर डिस्टेंस ऑफ अबाउट टेन सेंटीमीटर टू अ प्रिसजन ऑफ जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी यूजड अब बेटा ये दिस इज़ जस्ट रिलेटेड विद द बेसिक नॉलेज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वी नो दैट मीटर रूल जो है इसकी प्रिसीजन जीरो पॉइंट वन होती है माइक्रोमीटर की जीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वन होती है टेप मेजर ये भी जीरो पॉइंट वन मीटर होता है Vernier caliper, sorry, centimeter. Vernier caliper is the only instrument which whose precision is 0 0.01 centimeter. So, option D will be the correct one. Now, question number 5: A steel ball is dropped and falls through a vertical height. The time T taken to fall is measured using light gates, the results are given. Acceleration is फ्री फॉल जी इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस इक्वेशन तो हमने बेटा यहाँ फाइंड करनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम इस एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वैल्यू ऑफ जी अब वैल्यू ऑफ जी को अगर आप देखें तो यहां से आप जी को सब्जेक्ट बनाएं तो जी इक्वल टू बनेगा टू एच ओवर टी स्क्वा फाइन अब जब अनसर्टेनिटी हम कैलकुलेट करते हैं तो डिवाइड होने वाली वैल्यूज अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं और ये जो पावर फैक्टर है ये मल्टीप्लाई हो जाता है अपने टाइम के अनसर्टेनिटी के साथ यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा बेटा 0.01 ओवर 4.05 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 ओवर 0.91 और हमने यहाँ परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है तो जो इनका आंसर आएगा उसको हम हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे यहां टू इसलिए मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि टी का स्क्वायर है जो भी पावर हो वो मल्टीप्लाई हो जाती है के साथ। तो इसको जब सॉल्व करें तो रिजल्ट हमारा आएगा ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट है बेटा स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एक्स एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो द वेरिएशन विद टाइम ऑफ़ दिलास शोन अब यहाँ पर विलोसटी टाइम ग्राफ शो किया गया है और हमने डिसप्लेसमेंट फाइंड करनी है यू शुड नो बेटर दैट डिस्प्लेसमेंट इज फाउंड बाई फाइंडिंग आउट एरिया अंडर विलॉसटी टाइम ग्राफ एरिया विलोस टाइमग्राफ में डिसमेंट को रिप्रेजेंट करता है अब ये एक ट्राइ एंगल है दूसरी ट्राइंगल ये है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो हम दोनों का एरिया फाइंड करके और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये पार्ट जो है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है मीन्स अपोजिट डायरेक्शन चले पहले इस ट्राइ का एरिया फाइंड कर लें तो ये हो जाएगा वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी विच गिव ट्वेंटी मीटर इसका एरिया अगर फाइंड करें अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट बिकम्स वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई वन और इसकी ये जो हाइट है यहाँ पे टेन है तो ये आ गया फाइव मीटर तो डिस्प्लेसमेंट बन गया फिफ्टीन मीटर अब 15 मीटर इधर दो ऑप्शन में 15 मीटर अबव एक्स और 15 मीटर बिलो एक्स तो ये हम ऐसे देखेंगे कि एक्चुअली एक स्टोन को वर्टिकली थ्रो किया गया है अपवर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एक्स एक पॉइंट एक्स इधर है उससे अपवर्ड थ्रो किया गया अब उसने पहले डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर